A very good morning to all of you. Here myself, Deepa Pathak. I am going to start your new chapter. The title of the chapter is The Tiger, the Brahman and the Jackal. Students, it is a Panchtantra story. यह एक पंचतंत्र story है. And do you know about the Panchtantra? Panchtantra means क्या होता है? According to the name, जैसे कि उसका नाम है पंचतंत्र means 5 स्टोरीज इंक्लूड होते हैं. द मेन लैंग्वेज ऑफ द पंचतंत्र इज संस्कृत. जो पंचतंत्र की मेन लैंग्वेज होती है वो संस्कृत होती है. एंड इट वेस्ड विथ फेबल्स. और इसमें फेबल्स भी स्टोरी होती है. फेबल्स मीन्स होता है एनिमल्स स्टोरी, जो जानवरों की कहानियाँ होती हैं, जिससे हमें मॉरल भी मिलता है, नैतिक शिक्षा भी मिलती है. लेट्स स्टार्ट नाउ. वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ केज. एक बार की बात है, एक टाइगर पिंजरे में फंस जाता है. एज यू ऑल आर सीइंग ऑन दिस पिक्चर्स, एक टाइगर पिंजरे में फंसा हुआ है. ही ट्राइड इन वैन. स्टूडेंट्स, इन वैन मीन्स होता है अनसक्सेसफुल, मीन्स असफल होना. टू गेट आउट थ्रू द वॉर्स. वॉर्स वॉर्स मीन्स होती हैं शलाखें, जो कि पिंजरे में सामने आप लोगों को दिख रही हैं. टाइगर जब पिंजरे में फंस जाता है तो वो शलाखों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है. और जब वो असफल रहता है तो एंड रोड एंड विट विथ रेज एंड ग्रीव वैन ही फेल. जब वो असफल हो जाता है तो वो गुस्से में बहुत ही दहाड़ने लगता है. मीनवाइल तभी अचानक क्या होता है, पुअर ब्राह्मण केम भाई वहाँ से निकल रहा होता है. लेट मी आउट ऑफ दिस केस ओ पाउस वन, क्राइड द टाइगर. पाउस मीन्स होता है रिलीजियस, धार्मिक. तभी कहता है, वहाँ से गरीब ब्राह्मण निकलता है और उसको देख कर वो टाइगर उससे बोलता है कि हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र व्यक्ति, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो. नी माई फ्रेंड, रिप्लाइड द ब्राह्मण माइल्डली. स्टूडेंट्स, ने मीन्स यहाँ मतलब है नॉट. तो वो जो ब्राह्मण होता है बहुत ही जेंटली, बड़ी सज्जनतापूर्वक उसको उत्तर देता है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इससे बाहर नहीं निकाल सकता हूँ. You would probably eat me if I did. कहता है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे खा जाओगे. जैसे कि नॉर्मली बात है, उसका वो काम ही होता है कि अगर उसको बाहर निकाले तो वो खा जाएगा. Not at all, promised the tiger. On the contrary, I should be forever grateful and serve you as a slave. तो वो उससे कहता, उसके जैसे ही वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, तुम मुझे खा जाओगे, तो उसके जस्ट अपोजिट में, कंट्रेरी जस्ट अपोजिट में, वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल आभारी रहूंगा और हमेशा तुम्हारी एक दास की तरीके से मदद करूंगा, एक स्लेव की तरीके से तुम्हारी सेवा करूंगा. नाउ व्हेन द टाइगर सॉब्ड एंड साइड एंड वेब्ड एंड सोर, द पाउस ब्राह्मण हर्ट सॉफ्ट हैंडेड एंड द लास्ट ही कंसेंटेड टू ओपन द डोर ऑफ द केज. जब टाइगर बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर, सिसकियाँ लेकर, रोकर, कसम खाकर उससे कहने लगा तो उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक बहुत ही दयालु तरीके का इंसान था. उसको उस पर दया आ गई और वो उससे को उसने फाइनली जो केज का डोर था ओपन करने के लिए वो एग्री हो गया, राजी हो गया. Out popped the tiger and seeing the poor man cried, what a fool you are, what is to prevent my eating you now, for after being cooped up so long I am just terribly hungry. जैसे ही उस ब्राह्मण ने उस केज का डोर ओपन किया, वो तुरंत उसके ऊपर झपटा और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मेरे खाने को बचा सकते हो, तुमने किसको बचा लिया, क्या तुम मुझसे मुझसे खाने को बचा सकते हो, मैं इतने लंबे समय से इसके अंदर कैद था और मैं टेरिबली हंग्री, मीन्स होता है बुरे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से मैं भूखा हूँ. द ब्राह्मण प्लीटेड फॉर हिज लाइफ सेइंग दैट द टाइगर वॉज अनग्रेटफुल. तो वो ब्राह्मण था, उस टाइगर से बहुत ही प्रार्थना याचना करने लगा कि आप तो कहते थे इसके बदले में मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, लेकिन तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश हो. ये सब सुनकर द टाइगर फाइनली रिलेंटेड. तो वो थोड़ी देर रुका और उसने सोचा, तो ठीक है, उसने मना कर दिया. ऑल राइट, इफ़ द फर्स्ट थ्री थिंग्स होम यू आस्क वेदर इट इज़ फेयर फॉर मी टू ईट और नॉट, से नो आई विल लेट यू. वो कहता है कि ठीक है, आप कोई भी तीन चीज़ों से ये पूछिए कि मैं तुम्हें खाऊं, ये सही है या नहीं, अगर वो सब
ना मना करते हैं नहीं बोलते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सो द ब्राह्मिन फर्स्ट आस्क्ड अ पीपल ट्री व्हाट इट थॉट ऑफ द मैटर। सबसे पहले ब्राह्मण एक पीपल ट्री से पूछता है कि आप इस बारे में क्या कहते हो। बट द पीपल ट्री रिप्लाइड कोल्डली, व्हाट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट। उससे कहते हैं आप किसके बारे में शिकायत कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। डोंट गिव शेड एंड शेल्टर टू एवरी वन हु पासेस बाई एंड डोंट दे रिटर्न टीयर डाउन माई ब्रांचेस टू फीड देयर कैटल्स। तो पीपल ट्री कहता है कि मेरे यहाँ इस रास्ते से मेरे नीचे से जो भी होकर निकलता है, क्या मैं उन्हें छाया और उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं देता हूँ, क्या वो मेरी छाया के नीचे नहीं ठहरते हैं, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलता है। वो मेरी मुझे काटते हैं, मेरी जो लीव्स होती हैं उनको काटते हैं, ब्रांचेस को काटते हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं और अपने जानवरों को खिला देते हैं। देन द ब्राह्मण सैड एट हर्ट वेंट फर्दर अफील्ड टिल ही सा अ बफेलो टर्निंग अ वेल व्हील बट ही फेयर्ड नो बेटर फ्रॉम इट फॉर इट आंसर यू आर फूल टू एक्सेप्ट ग्रेटिट्यूड। जैसे ही ब्राह्मण दुखी होकर आगे बढ़ता है तो वो एक बफेलो को देखता है जो कि एक व्हील के चारों तरफ घूमती है। पहले जिस तरीके से पानी निकालने का काम किया जाता था उसी तरीके से वहाँ पर एक बफेलो थी, वो घूम रही होती है। तो जब वो बफेलो से पूछता है तो बफेलो उससे कहती है कि जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यू आर अ फूल, क्या आप मूर्ख हो जो इन सब के लिए कुछ चाह रहे हो। लुक एट मी, मुझे देखो। गेव मी मिल्क, जब मैं मिल्क देती थी तो फेड मी कॉटन सीड ऑयल केक, जब मैं दूध देती थी तो सब लोग मुझे अच्छा अच्छा खाना देते थे। बट नाउ आई एम ड्राई, लेकिन अब मैं दूध नहीं देती हूँ तो ये लोग मुझे इस तरीके से यूज कर रहे हैं और मुझे ये गर्वेज दे रहे हैं खाने के लिए। द ब्राह्मण सैड स्टिल आस्क द रोड टू गिव हिम इट्स ओपिनियन। ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया और रोड से उसका विचार पूछने लगा। माई डियर सर, सैड द रोड, रोड ने कहा कि श्रीमान जी, हाउ फूलिश यू आर टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स, आप इतने मूर्ख कैसे हो कि दूसरे से कोई उम्मीद रखते हो। हियर आई एम यूजफुल टू एवरी वन येट ऑल रिच द पुअर ग्रेट एंड स्मॉल। मेरे ऊपर से तो सभी रोग निकलते हैं, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग निकलते हैं। और उसके बदले में दे गो पास्ट गिविंग मी नथिंग, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं देते हैं। बट द एसेस ऑफ देयर पाइप्स एंड द हस्क ऑफ देयर ग्रैन, वो मेरे ऊपर अपने पाइप से गर्म राख भी डालते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं, बट मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। ऑन दिस द ब्राह्मण टर्न बैक सोरोफुली, ये सब सुनकर ब्राह्मण दुखी होकर वापस आ जाता है। एंड ऑन द वे, और रास्ते में ही मेट अ जैकल, एक जैकल से मिलता है। हु कॉल्ड आउट वाई व्हाट इज़ द मैटर मिस्टर ब्राह्मण, यू लुक एज मिजरेबल एज ए फिश आउट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, एज मिजरेबल एज ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है जब जैसे कि एक फिश को वाटर से बाहर निकाल लेते हैं और किस तरीके से वो तड़पती है। तो रास्ते में जब उसे एक जैकॉल मिलता है तो वो कहता है कि ब्राह्मण क्या बात हो गई है, आप इतने दुखी क्यों हो। द ब्राह्मण टोल्ड हिम दैट हैड ऑकर्ड, वो उसको सारी कहानी बताता है जो घटित हुई थी जो भी। हाउ वेरी कन्फ्यूजिंग, सेड द जैकॉल, जैकॉल उससे कहता है कि इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, ये तो बहुत ही भ्रमित करने वाली कहानी है। वैन ब्राह्मण फिनिश हिज स्टोरी, जैसे वो अपनी पूरी कहानी ख़त्म करता है, वुड यू माइंड टेलिंग मी वंस अगेन फॉर एवरीथिंग हैज़ गॉट सो मिक्सड अप। तो वो कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे इस कहानी को दोबारा सुनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, टूडे आई विल स्टॉप दिस स्टोरी ऑन दिस पेज एंड आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट यू विद द नेक्स्ट पेज ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।